बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां पर आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को लॉकडाउन करा दिया। दुर्ग, बिलासपुर और दंतेवाड़ा सहित 6 जिलों में भी गुरुवार से लॉकडाउन हो गया है। इससे पहले बुधवार से रायपुर समेत सरगुजा, रायगढ़ के सारंगढ़ और बलौदाबाजार में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब बंद कराया जा चुका है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी कह चुके हैं कि लॉकडाउन से कोरोना नहीं रुकेगा, लोगों को नियम मान्य होंगे, नियमों का पालन करना होगा। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग बाहर निकल रहे हैं, जिनके साथ पुलिस सख्ती के साथ पेश आ रही है। तो लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है और सड़कों पर पुलिस की सख्ती, चेकिंग पॉइंट लगातार बनी हुई है। पूरे रायपुर में, राजधानी में जगह जगह पुलिस ने चेकिंग पॉइंट बनाए हैं। ड्रोन से कई जगह निगरानी की जा रही है। आने जाने वाले हर लोगों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ एएसपी तारकिशोर पटेल जी भी हैं। सर, क्या आप लोगों को अब तक तीसरा दिन आया है, क्या अनुभव हो रहा है, किस तरीके की सख्ती आप लोग कर रहे हैं? देखिए, अभी रायपुर नगर निगम और बीरगांव नगर निगम को 22 से 28 तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उसके निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हमारी लगभग 40 के आसपास नाकेबंदी और चेकिंग पॉइंट हैं, पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं, पैदल मार्च की पार्टियां हैं, ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग उसके निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करें, अनावश्यक घर से न निकलें और जो जिन को आवश्यक सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं को जो खोलने की अनुमति दी गई है वही लोग खोलें, इसके अलावा बाकी लोग न घूमें। ड्रोन वगैरह से भी आप लोग निगरानी कर रहे हैं? हाँ, विशेषकर जो हमारे हॉट स्पॉट वाले कंटेनमेंट जोन हैं, बीरगांव, मंगल बाजार, भाटागांव, सदानी, ये सब में हम ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं। सकरी गली मोहल्लों में पैदल मार्च करा रहे हैं और ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं। देखिए, ड्रोन से भी पुलिस निगरानी कर रही है और हर आने जाने वालों पर इस बार पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है और जो गैर जरूरी यहाँ पर घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो तीसरा दिन लॉकडाउन का है, पुलिस की चप्पे चप्पे पर निगहबानी है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं केंद्र ने छत्तीसगढ़ को जारी की है जीएसटी की राशि। मार्च महीने की 418 करोड़ रुपए जीएसटी राशि जारी हुई है। कम राशि मिलने पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने नाराजगी जाहिर की है। कई बार याद दिलाने के बाद मार्च का ही जीएसटी मिला, उनका ऐसा कहना। अप्रैल का जीएसटी कंपनसेशन मार्च के साथ ही दिया जाता है, अभी भी मई और जून की जीएसटी राशि बकाया है, ऐसा उनका कहना। तो केंद्र की तरफ से छत्तीसगढ़ को जीएसटी की राशि जारी हो गई है। मार्च महीने की 418 करोड़ रुपए की जीएसटी की राशि जारी हुई है, लेकिन कम राशि मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नाराजगी जाहिर की। कई बार याद दिलाने के बाद मार्च का ही जीएसटी मिला है, ऐसा उनका कहना है। और उनका यह भी कहना है कि अभी भी मई और जून की जीएसटी राशि बकाया है। जीएसटी की राशि को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नाराजगी जाहिर की है। केंद्र ने छत्तीसगढ़ को मार्च महीने की 418 करोड़ रुपए की जीएसटी की राशि भेजी है, उनका कहना है कि कम राशि छत्तीसगढ़ को इस बार मिली। रायपुर से खबर है, जहां पर लॉकडाउन में बैंकों को छूट मिलेगी। जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं, 24 जुलाई से सभी बैंक दोपहर 3 बजे तक खोले जाएंगे। तो रायपुर में लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। लॉकडाउन में बैंकों को छूट मिली है, जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं, 24 जुलाई से सभी बैंक दोपहर 3 बजे तक खोले जाएंगे।